उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी होगी, खाता खोलना है दोनों टीमों को और यहाँ पे निकलने की कोशिश और तीन पुल से खाता खुला तीन पुल से खाता खुला सफिया बाद का जो कि कैप्टन होता है बड़ा होता है और अपना फर्ज निभाया शहबाज ने काफी अंदर तक घुसे और यहाँ पे पुल लेने की कोशिश, लेकिन देखना है काफी अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन बिना पॉइंट अपने फील्ड में और मेलडिया की तरफ से शोर के नाम से, शायद उनका नाम शोर है, शोर के नाम से माने जाते हैं, काफी पतंग रीडर है, लेकिन अच्छी कैचिंग कही जाएगी सफियाबाद का जो खिलाड़ी जी सर। हाँ हम उन की ले लिया यार, अब लास्ट में लास्ट में अभी खाता खोलने में काफी बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ पे चैलेंज भी दे रहे हैं और यहाँ पे खराब कोचिंग के हिसाब से पॉइंट मिलेगा मिलेगा डाल पलटी है तो नहीं रहे काफी यहाँ पे सफियाबाद के खिलाड़ी काफी में है पॉइंट लेने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हुए। पांच और दो का मुकाबला चल रहा है सफियाबाद पांच और दो, काफी अच्छी कोचिंग कही कही जाएगी यहाँ पे एक पॉइंटर मिलेगा सफियाबाद को। भाग जाइए से अब नहीं तो बैठ जा। सफियाबाद का खिलाड़ी यहाँ पे रीडिंग करता हुआ और पॉइंट चुराने में कामयाब है। एक पॉइंट और यहाँ पे चाइना का जो रेडर फुटबॉल के रेडर माने जाते हैं चाइना के, जो कि पतंग रेडर है, काफी अनुभव है उनको, झटपट काफी करते हैं यहाँ पे दर्शकों को काफी मजा आएगा। यह बड़ा मुकाबला है, चाइना चैलेंज दे रहे हैं यहाँ पे, देखना सफियाबाद उनका चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं। और बिना पॉइंट अपने फील्ड में सात और दो का मुकाबला चल रहा है इस समय, मेलडिया है दो और सफियाबाद है सात, और सफियाबाद के अच्छे रीडर माने जाते हैं, जब भी जाते हैं पॉइंट चुरा के लाते हैं, काफी अनुभव है उनका, काफी अंदर तक चैलेंज दे रहे हैं, चाइना को चैलेंज दे रहे हैं, देखना है चाइना उनका चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं। अच्छी कैचिंग कही जाएगी यहाँ पे मेलडिया द्वारा, मेलडिया के बेस्ट बेस्ट रीडर माने जाते हैं, उनका मैच मैंने देखा है, काफी अच्छे रीडर है, चैलेंज दे रहे हैं सफियाबाद को। सात और चार का मुकाबला इस समय चल रहा है, इस मैच के तुरंत बाद सात बलिया और रोशनगंज दोनों टीमें तैयार रही, उनको समय नहीं दिया जाएगा, अच्छी कैचिंग कही जाएगी मुलाडिया को, मुलाडिया को पांच और सात का मुकाबला चल रहा है, सफियाबाद को ऐसे भाई अपनी जिंदगी में पॉइंट नहीं लेके गया, और चाइना तैयार है, देखना काफी कंधे का बड़ी जिम्मेदारी है चाइना की, जो चाइना है वो चाइना भी दिखे नहीं, काफी अनुभव है, अच्छा खेल चला रहे हैं, सफियाबाद को चैलेंज दे रहे हैं, काफी अंदर तक
अच्छी वापसी कर रही है मूलर भी धीरे धीरे फुट चला रही है काफी चेलेंज दे रहे शहबाज आज के कभी दिए वे कड़ कड़ जाते हैं चैलेंज दे रहे हैं मुल्ला भैया के खिलाड़ी क्या मुझे पता मुझे पॉइंट लेके जाना है काफी अनुभव है मुल्ला भैया को अच्छा कदम है सहबाज द्वारा यहाँ पे और फिर से जो कि बराबर 12 है मुलाडिया 12 है सफियादार लियर हो तो यहाँ पे कड़ा मुकाबला चल रहा है सफियाबाद और मुलाद भैया के बीच 12 और 13 का मुकाबला चल रहा है साकिब दूसरे पर तैयार है यहाँ पे दर्शकों को काफी उम्मीद है साकिब से सफियाबाद से काफी उम्मीद है क्योंकि वो बहुत अच्छी लीडिंग करते हैं काफी अनुभव है देखना है के आते हैं ये देखे जाते हैं चैलेंज दे रहे हैं मुलाद भैया वाले को और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा सफियाबाद को
सारे 25 सेकंड हो इधर है बहुत बड़ा पागल है रे मर बे ना की तक लाड़ लागी हाल चाल हाल चाल ले आ रहा अच्छी रेडियो टक्कर रहे हैं सर जो कि सफलाबाद के पहलवान भी बरमाने जाते हैं
आज का जो उद्घाटन होगा दुर्लभ कबड्डी का थोड़ी देर में सकी रहने द्वारा जो की ग्राम सभा बनने और पेड़ी के प्रधान है द्वारा किया जाएगा। गोलिया बगले भाई छोड़ो भाई यार वहाँ नहीं जाते कहा छोटू मछली आ जाते पहले यहाँ से आएगा करार भाई ठीक है आए पकड़ा तो उन्हें ही पढ़ाई खड़ा हो जाता साथ राजे रे राजे टक्कर को इसको चालू करवा दो परमेश्वर को दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि 80-85 से दूर हो जाए दूर हो जाए इस समय आप मेरे सामने अपना स्कोर सुन रहे चालू कराओ यार और साकेत जो की सकियाबाद के जो रोड की हत्या मानी जाती है जो की बहुत पसंद दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि रस्सी और बांस को टच ना करें क्योंकि यहाँ पे बलक लगा हुआ गिर जाएगा दिक्कत होगी फिर आप ही लोग को दिक्कत होगी देखने में अब
फाउल हो गया बैठ गया भाई रीडर हो चाहे वो रीडर हो वो किया है ना भाई फाउल हो गया बैठ गया मस्तिया से सर जाए भाई नहीं जो हमारे कमेटी मेंबर चारों साइड बैठे हुए हैं तीन पॉइंट कहा यार अकमो सर जा भाई यार तो हुआ तो हुआ तुझे मारा जा
भाई थोड़ा कौन सा सरकार